हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है घी की सोम यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इंडक्शन ओवन कैसे काम करता है। तो दोस्तों, आजकल ऐसा हो गया कि इंडक्शन ओवन हर घर में होता है, तो ये इंडक्शन ओवन आखिर काम हो रहा है कैसे, ये बारे में आज इस वीडियो में हम सीख लेंगे। तो दोस्तों, जो इंडक्शन ओवन है वहां पे जो आपका आप घर से जो सप्लाई देते हो वो कितना सप्लाई देते हो आप, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज जाके होता क्या है, ये जो 50 हर्ट्ज है यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल्स कंप्लीट होता है। दोस्तों, जो साइकिल्स है वो साइकिल्स क्या है, ऐसे एक साइन वेव, एक कंप्लीट साइन वेव को हम एक साइकिल कहते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि एसी करंट बिल्कुल साइन वेव में रहता है। अब स्क्वायर वेव में भी देखने को मिलता है, पर हमारे घर में जो सप्लाई होता है वो साइन वेव में सप्लाई होता है। तो साइन वेव एक बहुत अच्छा है, साइन वेव आप स्क्वायर से काफी बढ़िया है। ये बारे में मैं किसी अगले वीडियो में बात करूंगा, साइन वेव स्क्वायर क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइन वेव से 50 हर्ट्ज का साइन वेव है वो उस आपका इंडक्शन ओवन के अंदर जाता है। फिर वहां पे जाके क्या होता है कि इंडक्शन ओवन में जो 50 हर्ट्ज का साइन वेव एसी करंट था, अब उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। अब डीसी में वो करंट कन्वर्ट हो गया। अब डीसी को में क्या होता है, अगर आप डीसी का ग्राफ देखोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, वहां पे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता, डीसी के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता। अब क्या होता है कि जो डीसी करंट था वो डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट किया जाता है। अब एसी में कन्वर्ट करने के टाइम पे यहाँ पे वो 50 हर्ट्ज के एसी फील्ड से कन्वर्ट नहीं हो गया। अब यहाँ पे कन्वर्ट किया कितना जा रहा है कि इसमें फ्रीक्वेंसी काफी हाई कर दिया गया है। यहाँ पे जो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी था, पहले जो एसी आपके घर में जो सप्लाई होता है वो जो जाके आपके इंडक्शन में जा रहा है वो 50 हर्ट्ज का एसी था, अब उसे बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का एसी बना दिया गया है। अब उस हाई फ्रीक्वेंसी एसी से जो आपका कॉयल उस इंडक्शन के अंदर लगा दिया जाता है, एक कॉयल होता है इंडक्शन के अंदर जहां पे आप चीजें बैठाते हो इंडक्शन में, उसके नीचे एक कॉयल होता है। अब उस कॉयल में उस हाई फ्रीक्वेंसी एसी को दिया जाता है, जो मतलब उस हाई फ्रीक्वेंसी एसी की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अगर एक चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो एडी करंट से जो आपका कंडक्टर है उसे गर्म कर सकता है। तो एडी करंट क्या होता है मैं आपको किसी अगले वीडियो में समझा दूंगा। तो एडी करंट की वजह से यहाँ पे आपका जो कंडक्टर है वो गर्म होने लगता है। अगर वो चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड है तो, अगर वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं डीसी की बात करूं, डीसी अगर वहां पर सप्लाई कर दिया जाता तो क्या होता, वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन जाता। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एडी करंट जनरेट नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं एडी करंट का अगर एक सिंपल एग्जांपल बताऊं तो, अगर आपने ट्रांसफार्मर देखा है तो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि एडी करंट की वजह से गर्म होता है। वो गर्म होने का जो चीज है, उस गर्म होने का चीज को ही यहाँ पे हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इंडक्शन के अंदर। एडी करंट से जो आपका ट्रांसफार्मर गर्म होता है वो क्या होता है, वो लॉस है। पर यहाँ पे उस लॉस को ही काम पे लेके हम अपना जो काम है वो निकाल रहे हैं, बड़ी आसानी से उस काम को हम निकाल रहे हैं। हम वहां से कुछ भी पका सकते हैं उस इंडक्शन ओवन के जरिए। पर हाँ, यहाँ पे अगर आप एक खाली पैन को बिठा देते हो उस इंडक्शन ओवन के अंदर, तो आपका जो पैन है वो गलने के भी संभावना होता है। इसीलिए इंडक्शन के अंदर आपको किसी भी टाइप का पानी भर के उस पॉट को बिठाना ही ज्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे इंडक्शन में क्या होता है मैं आपको थोड़ा और भी समझा देता हूँ कि आपका जो प्लेट है, पैन को रखते हुए उस प्लेट के ऊपर, तो क्या होता है कि उस पैन में एडी करंट की वजह से वो पैन गर्म होने लगता है। पर और उसके अंदर जो प्लेट है, प्लेट गर्म नहीं होता। प्लेट आप गर्म क्यों देखते हो, प्लेट आप इसीलिए गर्म देखते हो क्योंकि जो पॉट है वो भी गर्म हो रहा है, तो इसी वजह से आपका जो प्लेट है वो भी आप गर्म देखते हो। तो यही हो गया दोस्तों आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इंडक्शन ओवन कैसे काम करता है। और दो वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, एडी करंट और मैं एसी और डीसी के अंदर जो डिफरेंस है वो भी मैं बहुत जल्दी दोनों वीडियो बनाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया जरूर से एक लाइक तो करना मत भूलना, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की टेक्निकल वीडियोस लेके अपने चैनल में रोज आता रहता हूँ। और अगर उसके पास जो घंटी का आइकॉन रहता है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगी। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।